बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी एक्स्ट्रा क्रिस्पी लच्छेदार वेजिटेबल पकौड़े की रेसिपी। पकौड़े तो एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे वो रमज़ान हो तभी बनाए जाते हैं, चाहे टी टाइम हो तभी बना लेते हैं, चाहे मेहमान वगैरह आ जाए तो तभी हम उन्हें फ़ौरन से चाय के साथ जो है वो बना लेते हैं। तो आज हम जो है वो आपके साथ ऐसे लच्छा पकौड़े की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं कि चाहे एक घंटे के लिए आप बना के रख देंगे, ये एक्स्ट्रा उसी तरह क्रिस्पी रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रहेंगे, एक एक का लच्छा अलग होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से एक्स्ट्रा क्रिस्पी लच्छेदार वेजिटेबल पकौड़े हम कैसे बनाएंगे। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है सबसे पहले, तो इसमें हम लेंगे तकरीबन आधा किलो बेसन लेंगे, छलनी में रखेंगे। आधा किलो बेसन के अंदर हम 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो मैदा लेंगे। अच्छी तरह भरकर 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 2 टेबलस्पून भरकर हम कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, बाज़ार से मिल जाता है, चावल को पीस कर बना सकते हैं। ये हमारे जो है वो पकौड़ों बहुत क्रिस्पी जो है वो क्रंची बनाएगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, साथ साथ छान लेंगे। तो बेसन हमने घर का बनवाया है तो इस बेसन में जो है वो गरम गरम था तो थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, तो हमेशा जब भी आप जो है वो बेसन मैदा वगैरह, क्योंकि चीज़ें अगर पड़ी रहे हैं हमने तो अभी ताज़ा ही बनवाया है तो इनमें जो है वो कीड़ा वगैरह बन जाता है, तो हमेशा छान कर जो है वो इसको इस्तेमाल किया करें। इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून भर कर जो है वो भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर पकौड़ों को देगा। 1/2 टेबलस्पून हम डालेंगे अनारदाना, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा, इसके बाद जाएगी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 हसबे ज़ायका नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसकी जगह आप जो है वो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं हल्दी पाउडर यूज़ करती हूँ। 1 चुटकी बेकिंग सोडा, इनको मिक्स करेंगे। अगली चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी वो है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, आप ड्राई आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। हमारा पकौड़े के लिए बैटर जो है वो रेडी है। बिस्मिल्लाह रहीम, सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए एक बाउल हमने ले लिया है, तो सबसे पहले उसमें डालेंगे हम आलू। आलू को हमने इस तरह बारीक जो है वो जूलियन कटिंग में यानी लच्छे की सूरत में जो है वो काट लिया है। इसके बाद जाएंगी इसमें गाजरें, ये भी हमने इसी तरह जूलियन कटिंग में लच्छेदार शक्ल में जो है वो काट लिए हैं। इसके बाद जाएगी इसमें बंद गोभी,
इसके बाद जाएगा इसमें प्याज, वो भी हमने इस तरह स्लाइस करके उसके लच्छू को इस तरह हमने तोड़ लिया है। इसके बाद जाएंगे ये पालक की कुछ जो है वो इस तरह हमने धनिया काटी है और कुछ पालक के पत्तियाँ। तो सबसे पहले सारी सब्जियों को हम मिक्स करेंगे आपस में। अच्छी तरह ये मिक्स हो चुकी हैं। तो अब जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है वो उसमें डालेंगे। जितना क्या ज़रूरत होगा उतना डालेंगे। पहले हम इनको मिक्स करेंगे। यहाँ हम आपकी मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर हमने उतना इसमें डालना है कि बस ये कंबाइन हो जाए इनको आपस में, वो जो है बैटर बाइंडिंग में मदद दे। यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और बैटर डालेंगे। अब ये मैं बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ी देर हमने इनमें चम्मच नहीं चलानी, जब भी कोई पकौड़े डालें तो आप एक दो जो है मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप उनको उसी तरह छोड़ दें, इसके बाद इसमें चम्मच चलाएं। और ना ही बहुत ज़्यादा आप बार बार जो है वो डालें, जितने इजीली उसमें फ्राई हो जाए वो डालें। क्रिस्पी गोल्डन होने तक दोनों साइड से हम जो है पलट पलट कर पका लेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो है वो गोल्डन हो चुके हैं हमारे मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़े। एक एक लच्छा आप इनका देखें, एक एक लच्छा आप देखें। आप इनकी आवाज़ से देखें इनकी कितनी क्रंची आवाज़ आ रही है। अब देखें इसका एक एक जो अच्छा है ना वो बिल्कुल अलग है, बहुत ही ये क्रिस्पी और क्रंची है। माशाल्लाह जी, आप देखें कि ये कितने खूबसूरत हैं देखने में, एक एक इनका अच्छा लग है और उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। एक घंटे के लिए भी आप इनको अगर बना कर पहले रख देंगे ना तो ये इसी तरह जो है वो क्रिस्पी रहेंगे, क्योंकि पकौड़े तो बनते ही रहते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे टी टाइम हो, चाहे कोई मेहमान आ जाए, तो फटाफट से जो है वो पकौड़े बना लेते हैं। तो आप भी ज़रूर जो है वो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।